हेलो बच्चा पार्टी की हालचाल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, बट अब ये जो मुलाकात का सिलसिला है वो रेगुलर बेसिस पे होगा। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था तो नहीं हो पाया था, आपको बताना जरूरी था कि क्यों नहीं आप वीडियो नहीं बना पा रहे थे। बट डोंट वरी, जो है अब तो क्लासेस रेगुलर बेस पे होंगी। और फर्स्ट थिंग, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली क्लास 11th के लिए है, ठीक है। और 9th क्लास आप भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है तो आप पढ़ सकते हैं। और ग्रेड 10th क्लास बिल्कुल भी परेशान मत हुई, क्योंकि आपके सिर्फ दो टॉपिक्स रह गए, दो चैप्टर्स रह गए। उसको पढ़ाने के बाद हम लोग जो है रिविजन करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स लगाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल प्रॉब्लम में मत रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। अब ग्रेड 11th हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो तो डिस्कशन में हो गया था, हम चैप्टर 2 की बात करते हैं, जो कि है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी कि हिंदी में बोले तो परमाणु की संरचना क्या है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो जैसे ये एटम वर्ड है, ये फर्स्ट एटम वर्ड जो था वो इंट्रोड्यूस किया हमारे डाल्टन साहब ने, जॉन डाल्टन ने जो है इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब क्या हुआ, जॉन डाल्टन ने इस एटम को इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में लोगों ने बताया नहीं था। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि थे, और एक ऋषि मुनि में एक नाम था कर्णत ऋषि। ये कर्णत ऋषि जो थे, इन्होंने जॉन डाल्टन से पहले ही इस चीज को बता दिया था कि भाई ये जो एटम है मतलब एटम नहीं, एटम का नाम उन्होंने अणु बोला, कि जो भी हमारे संसार में जो भी भौतिक चीजें हैं, मतलब कि अब हिंदी में उन्होंने बोला था कि जितने भी मैटर से पदार्थ हैं वो जो है आपके अणु से बने हुए हैं, ठीक है। मतलब अणु के बारे में ये एक अणु टर्म दिया था कि सबसे छोटा जो है वो अणु होता है, बट उस चीज को खैर इतना ध्यान नहीं दिया कि किसने ये सब इतना बताया नहीं। तो बात करते हैं, जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने ये बताया कि जो मैटर है, पहली चीज तो मैटर जो होता है वो क्या होता है, विच हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर वो चीजें होती है जिनमें क्या होता है, किसी जगह पे अपने स्थान को घेरती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उसके साथ ही साथ उनका एक अपना पर्टिकुलर मास होता है, ठीक है, द्रव्यमान होता है। अब बात यहाँ पे करते हैं कि जो मैटर है, जो हमारा ये परमाणु है, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, मतलब ऐसे दिया गया तो इस तरह से। अब यहाँ पे बात ये करते हैं कि जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने ये बोला कि भाई जो हमारा कोई भी मैटर है, मैटर की डिस्कवरी हुई कि मैटर ऐसा होता है, सॉलिड लिक्विड स्टेट में है, गैसेस स्टेट में होता है, लेकिन बात अब यहाँ पे ये उठने लगी थी, लोगों को ये क्यूरियोसिटी थी कि जो है मैटर से भी क्या, मैटर किस चीज से बना हुआ है। तो ये जॉन डाल्टन थे, उन्होंने बोला कि जितने भी मैटर है वो सबसे छोटी जो है इनडिविजिबल पार्टिकल से बने। इनडिविजिबल का मतलब वो कभी उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, इनडिविजिबल है, उससे छोटा कुछ नहीं है, जिसको बोलते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं एटम, ठीक है। तो एटम से मिलकर जो है क्या बना है, ये जो भी मैटर्स है इस दुनिया में वो बने हुए हैं, ठीक है। अब बाद में ये उन्होंने ये चीज बात कही, अब इसके आगे की बात, उन्होंने एटम का शेप बताया कि वो शेप स्फेरिकल होता है, गोल होता है। अब ये इसलिए भी था कि गोल में क्या होता है, ये शेप ज्यादा इजी भी होता है, इसमें फ्रिक्शन नहीं लगता, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो ये सारी चीजें थी। अब ये जो है जैसे कि, और पहले की चीज में क्या थी कि इसको गोल बताने का रीजन भी था, बहुत सारी चीजें थी कि ज्यादातर चीजों को गोल ही माना जाता था, ठीक है। अब वही वाली बात होगी कि पापा के पैसे गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, सारी दुनिया गोल गोल, तो इन्होंने भी कहा ये एटम जो है वो है गोल गोल, ठीक है, प्रूव नहीं हुआ था। अब आगे, अब इन्होंने बोला कि भाई जो ये एटम है ये सबसे हार्डेस्ट, डेंसर और नॉन डिविजिबल पार्टिकल होता है एटम, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, इन्होंने एक टर्म और भी लिया, इन्होंने ये बताया, इसको लिखवाती जा रही हूं मैं ताकि आप लोग को भी आसानी हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या चीजें बताई इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने पहली चीज बताई, इन्होंने क्या बोला, एटम कंसीडर एज हार्ड, डेंसर एंड नॉन डिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है ना, ये चीज इन्होंने बोली।
इन्होंने ये चीज बोली और यहीं पे ये खत्म करी बात। अब दूसरी चीज, इन्होंने एक और चीज बोली है कि भैया ईच एटम जो भी है, किसी भी एलिमेंट के जो भी एटम होते हैं उन सब की अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है। तो हाँ, ये चीज तो सही है, बहुत सही चीज बताई कि भाई हम पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं वो सारे जो एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो बस, और लेकिन हाँ, सबका एक अपना आइडेंटिकल मास होता है, ठीक है, यूनिक काइंड ऑफ एटम्स होते हैं ईच। लो भाई, ये तो चल ही नहीं रहा है। ईच एलिमेंट consist of a unique, इसको हाईलाइट करिए, यूनिक काइंड ऑफ एटम्स, यूनिक काइंड ऑफ एटम एंड हैव आइडेंटिकल एटॉमिक मासेस। ठीक है भाई, सबके अपने अपने आइडेंटिकल एटॉमिक मासेस होते हैं, ठीक है, ये भी बात हाईलाइट कर लो भाई, आइडेंटिकल मासेस होते हैं। कुछ अभी गड़बड़ होगा इसलिए बोल रहे हैं। फिर अब जैसे इन्होंने बोला, मतलब आइडेंटिकल मास होते ही हैं, सिंपल सी बात है, कार्बन का मास 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो इस तरह से क्या किया है इन्होंने, चीजों को आइडेंटिफाई किया, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो जितने भी एटम्स हैं उनका अपना एक आइडेंटिकल एटॉमिक मास होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप फोटो लेना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, फिर उसके बाद की आगे कहानी बताऊं, ठीक है। अब तीसरा इन्होंने बोला, मैं दिख रही हूँ, हाँ, तीसरा इन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी एक अपनी डिफरेंट टाइप की आइडेंटिटी होगी, प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, जैसे कि कार्बन सॉलिड नेचर में, हाइड्रोजन गैस नेचर में है, तो इस तरह से मतलब सब जितने भी एलिमेंट है उनकी अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, डिफरेंट या डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो गया, रब करे, ठीक। तो मतलब इन्होंने ये बोला कि भाई अगर कार्बन सॉलिड में है तो वो सॉलिड में ही आपको मिलेगा, ऑक्सीजन आपको गैस में मिलता है, ठीक है, हाइड्रोजन आपको गैस में मिलता है, तो इस तरह से सारी चीजें जो है क्लैरिफाई की, ठीक है, ये सारी चीजें तो अच्छी अच्छी बोली उन्होंने। मतलब डाल्टन को अगर अभी देखोगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि उन्होंने कुछ चीजें अच्छी भी बताई और कुछ चीजें गलत भी बताई, लेकिन हाँ, कुछ ज्यादा ही गलत हो गया था, ठीक है। बड़ा गंदा है डस्टर, चलो अब बात करते हैं। अब इन्होंने बोला कि अब ऐसे ही बता दे रहे, इन्होंने ये बोला चौथा, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, जो भी आपको गिवन एलिमेंट होंगे, हैविंग सेम एटॉमिक मासेस, हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, इनकी अपने अपने मासेस होंगे और उनकी एक अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ये बात अब जो आगे की बताने जा रहे हैं वो बहुत अच्छी, दो बातें हैं जो मुझे बहुत सही लगी। पहली चीज, कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट, मतलब कि किसी भी कोई भी कंपाउंड जो फॉर्म होगा किसी भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की वजह से, उनका एक फिक्स्ड रेशियो होगा तभी कोई कंपाउंड फॉर्म होगा, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा तभी कोई नया कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे कि ये स्टेटमेंट काफी अच्छा है, कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट, कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio।
तो भाई जैसे एक हम नमक का एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl है, तो भाई सिंपल सी बात है, NaCl कंपाउंड कैसे बना, एक रेशियो 1:1 का क्या है ये 1:2 इस तरह से दिया है, तो मतलब एक तरह से ये क्या है, रेशियो है, एक फिक्स रेशियो है कि भाई क्लोरीन के दो एटम होंगे, सोडियम का एक एटम होगा, वैसे सोडियम का दो एटम होगा क्योंकि यहाँ पे भी बैलेंस करता है, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के इनका एक फिक्स रेशियो है, ऐसा नहीं कि ये मिलाया वो मिलाया और बन गया। तो ये बात तो बहुत अच्छी लगी, और आगे की जो बात है वो बड़ी बड़ी बढ़िया है, जो कि इन्होंने बोला कि भाई जो केमिकल रिएक्शन है, जो छठी बात बोल रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें इन्वॉल्व जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन रीऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब कि अब सुनो, पहले तो ये स्टेटमेंट लिखो कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एटम्स लिखो। अब इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि आपने आपको बनाना है CO2 बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, तो आपने कार्बन ऑक्सीजन लिया और आपको नाइट्रोजन मिल गया। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, आपने रिएक्टेंट साइड में जो लेना है उसी का ही रिकॉम्बिनेशन है, उधर उलट फेर होकर आपको कोई कंपाउंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट रखे और प्रोडक्ट साइड में आपको डिफरेंट एलिमेंट मिल गया, नहीं। तो इसमें जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा है वॉटर, H2 लिया, O2 लिया, इसने वॉटर बनाया, ठीक है। अब जो भी उलट फेर हुआ वो वॉटर का ही हुआ, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ही हुआ। तो अगर इसको देखोगे ध्यान से, ये है, यहाँ पे बैलेंस करोगे कुल मिला के ये सारी चीजें हैं, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है। अब इसमें क्या है, इसके जो है आगे कॉम्बिनेशन होगा तो इस तरह से बनता है, ठीक है ना। ठीक है, ये 4 बनेगा, ठीक। तो इस तरह से सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसको बैलेंस करते हैं। अब क्या है कुल मिला के कि मास लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कराने के लिए ये बात इन्होंने सही की कि रीअरेंजमेंट होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है और हमें उस तुरंत प्रोडक्ट मिलता है। तो भाई ये चीज सही है, रीअरेंजमेंट होते हैं, बैलेंस इसीलिए तो करते हैं। अगर कोई नया एटम मिलता, बैलेंस करने का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है, दो है, दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए, ठीक करने के लिए तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इसी चीज को तो बैलेंस करते हैं। बस हाँ, एक एक्सेप्शनल केस है भाई, केमिस्ट्री है तो वहां पे एक्सेप्शनल केस तो होना ही होना है। एक केमिकल रिएक्शन जो होती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, हाँ उसमें ऐसा होता है कि नया एटम आपको मिल जाता है, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी हो सकता है कि आपने दो बड़े बड़े एटम्स को उसको मतलब उसको लड़ाया, उसका फ्यूजन किया तो आपको नया एटम किसी अलग टाइप के एलिमेंट का मिल सकता है, ठीक है। बट बाकी सारे केमिकल रिएक्शन में यही चीज फॉलो होती है कि भी उसमें रीऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई नया एटम नहीं मिलेगा किसी और एलिमेंट का। बात समझ में आ रही बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई और ये तो अच्छी चीज थी इनकी, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई, डाल्टन थे तो उन्होंने ऐसे अपर सबर कुछ भी बोल दिया, लेकिन अब आगे इनकी थ्योरी गलत होने लगी, और ये गलत इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर डिस्कवरी कुछ सालों में हो गई आइसोटोप्स की और आइसोबार्स की। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आइसोटोप्स और आइसोबार होते क्या है, फिर आगे की बात, आगे की कहानी कही जाएगी, ठीक है ना। अरे मैंने रब कर दिया, आप लोग बैक करके इसका स्क्रीनशॉट वो ले लेना, ठीक है, ओके। एक बार मैं देख लूं भाई, चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि हुआ क्या, लिमिटेशन क्या है। पहला जो लिमिटेशन था इनका, डाल्टन्स का, भाई इन्होंने सबसे बड़ा चिल्ला के कहा था कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इससे छोटा तो कोई है ही नहीं। बट आगे मालूम चला, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की थ्योरी हुई, डिस्कवरी हुई, तो मालूम चला ना बाबा, एक्चुअल में एटम से भी छोटे सब डिविजिबल पार्टिकल होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो भाई यहीं से जो है सब लोग इनके ऊपर पेंच करने लगे कि भाई दया कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि इन्होंने ये जो बात कही वो गलत थी, ठीक है। तो पहली चीज, एटम इज फर्दर सब डिविजिबल,
सब डिविजिबल, और कौन था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरी चीज आया कौन, डिस्कवरी किसकी हुई, आइसोटोप्स का पता चला, आइसोटोप्स का, जिसको बोलते हैं समस्थानिक, हिंदी में क्या बोलते हैं, समस्थानिक। अब इसमें क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोप्स, बच्चे बहुत ध्यान से देखेगा। एक्चुअल में आइसोटोप्स उनको कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मासेस डिफर होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स निकल कर आए और पता चला कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, पहला प्रोटियम होता है, फिर उसके बाद ड्यूटेरियम होता है, उसके बाद ट्राइटियम होता है। तो अगर आप देख रहे हो तो इसमें सब में एटॉमिक नंबर एक एक है बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो रहे हैं, एंड दीज आर द हाइड्रोजन्स के आइसोटोप्स। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज, अभी यहां कहानी नहीं खत्म हुई, अभी आए आइसोबार्स, इसके जस्ट उल्टे होते हैं। ये तो भाई बहन उन्होंने खोजे जब डिस्कवरी हुई आगे, इन्होंने नहीं, डाल्टन ने नहीं खोजा, ये आगे फर्दर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उन्होंने पता चला कि भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के तीन भाई बहन होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन के दो और भाई बहन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन तो है ही है, प्रोटियम, पर ड्यूटेरियम और ट्राइटियम भी था, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली हाइड्रोजन का है, बट सबसे पहले हाइड्रोजन का ही डिस्कवर किया गया, ढूंढा गया। अब बात आई कि भाई भाई बहन से, भाई भाई से नहीं होगा, एक और टर्म आ गया विच इज नोन एज आइसोबार्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं संभारिक, भार का मतलब मास, तो यहाँ पे संभारिक का मतलब जिसका समान भार हो, सेम एटॉमिक मास हो, तो भाई डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर। इट मींस यहाँ पे एक और टर्म आया आइसोबार्स, और इस आइसोबार में ये कहा गया कि भैया दोस टाइप ऑफ एलिमेंट विच हैविंग अ सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि एटॉमिक मासेस को ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। बच्चे बात मालूम है कि नहीं मालूम है, ठीक है ना, और इस तरह से कोई एलिमेंट एक्स है तो नीचे ऊपर एटॉमिक मास होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन वन इधर, सॉरी इधर भी वन, हाइड्रोजन का भी वन ही होता है, ठीक है ना, मास भी वन होता है, या हीलियम भैया ले लो ना, तो कंफ्यूज ही आ जाओगे तुम लोग, ठीक है ना, ये लो। ठीक, अब यहां पर क्या है, एग्जाम्पल देखिए, इसमें तीन एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रही हूं, जो कि 19, 18, 20। तो 80 पे ऑर्गेन होता है, आर्गेन होता है, पोटेशियम होता है और कैल्शियम होता है 20 पे, तो ये भाई 18 है, ये 19 है और 20 है, बट दो चारों के मास क्या होंगे, तीनों के सॉरी 40, 40, 40। तो याद रखिएगा, ये एक फॉर्म और निकल के आई आइसोबार्स की। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें हैं, इसको नोट करिए, फिर आगे की कहानी हम जरा बताते हैं इसकी ही। अभी कहाँ गया मेरा मार्कर, अब देखिए इसको मैं रब कर देती हूं। अब ये होता कैसे है, इसका भी देख लो, पहले आइसोटोप आइसोबार का भी देख लो। हाइड्रोजन में पहली चीज ये देखो होगा क्या, सबको मालूम होना चाहिए कि भैया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। मैंने बताया एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, या इधर लिख देते हैं और बीच में लिख देते हैं मिड में, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चे, एटॉमिक नंबर इसको लिखते हैं जेड से। ठीक है, और एटॉमिक नंबर निकालते कैसे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए, एटॉमिक नंबर निकालना बड़ा आसान है। एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑब्लिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मुझे आगे पढ़ाना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी सुन लो। ठीक है, और एटॉमिक मास किसको बताता है, एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश, जेड और ए से आप लिख सकते हो। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, पी प्लस एन। तो अब यहां पे क्या होगा, कैसे ये बने हैं, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास
1H1 होता है, नीचे का जो होता है एटॉमिक मास आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन की भी वैल्यू बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताता है। इसका मतलब 1 है अगर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब एक ही प्रोटॉन भी है और एक ही इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनिए, ये है। अब नीचे क्या है, प्रोटॉन आपका एक है, न्यूट्रॉन बच्चे जीरो है क्योंकि ऊपर प्रोटॉन, ये एटॉमिक मास क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बताता है और वन ही लिखा है, इसका मतलब प्रोटॉन तो एक ही है क्योंकि अभी आपको मालूम चला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक है। ठीक है, जेड तो आपको यही बताता है, तो ये 1+0 है तभी तो एक आया है सिर्फ। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां घुमा दो। अब तुम्हारा ड्यूटेरियम पे दो कैसे आया, इतना देर मास में लगा, प्रोटॉन एक है, दो आया कैसे ड्यूटेरियम में, 1d2 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि एक प्रोटॉन भी है और एक न्यूट्रॉन है तभी तो 10 आया और एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, मतलब जो नंबर है वो एटॉमिक नंबर बताता है। ठीक है, अब ट्राइटियम 1, 3, तो अब इसमें देखो क्या करो, प्रोटॉन भी एक है इलेक्ट्रॉन भी एक है तो न्यूट्रॉन क्या होंगे, पक्का 2 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वैल्यू आती है एटॉमिक नंबर और मासेस पे। ठीक है, आइसोटोप समझ में आ गया, चलो आइसोबार के भी एटम्स ऐसे ही बता दे रहे हैं, ऑर्बिटल एक्स, इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी निकालो, ऑर्गेन तुम्हारा 18 और ये 40 है। ठीक है, 18 आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को बताता है, तो बाकी के जो बच गए वो क्या होंगे, अब इसके शेल्स अलग अलग बना लेना, वो तुम लोग अपना कर लेना, वो सब अभी बाद में बताएंगे, वो तो अभी सीखना भी नहीं है। अब प्रोटॉन तुम्हारा 18, न्यूट्रॉन कितने बचे, बाकी के सारे इसमें जोड़ दो, बचेंगे 22 न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे की शेल नहीं बता रहे, मुझे पढ़ाना ही आगे। उसके बाद पोटेशियम 40 है, ये 19 हो गया, तो अब सुनो, प्रोटॉन तुम्हारे 19 हो गए तो न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 21, और इसमें क्या है, प्रोटॉन तुम्हारे 20 होंगे, कैल्शियम 20 पे होता है और न्यूट्रॉन तुम्हारा 20 हो जाएगा, समझ में। तो इसी तरह से सारी चीजों को जो है इसमें किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये थी डाल्टन को सबने, जब ये बात हुई कि भाई ये जो आइसोटोप्स आ गए, सब डिविजिबल पार्टिकल आ गए, आइसोबार्स आ गए, तो डाल्टन को फिर जो इतना सीना चौड़ा करके चल रहा था कि भाई मैंने बताया, उसको जरा सा गलत साबित कर दिया कि भाई तुम पागल हो क्या, जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे उनकी बात पूरी तरह से गलत ठहरा दी गई, अगर एक बात को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है ना, वो केमिकल रिएक्शन वाली सबसे सही बात मुझे वही उनकी लगी थी। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं कि अब इनको गलत ठहराया कैसे गया, मतलब ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया गया, एक्सीडेंटली चीजें हुई, अब हुआ कैसे। तो अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं आज से 400 साल पहले और देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो इसको देखने के लिए चलिए चलते हैं 400 साल पहले। तो हुआ क्या था, अब बात करते हैं यहाँ पे, एक बहुत अच्छी सी बात बताने जा रही हूं, इलेक्ट्रॉन की, अरे यार ये परमानेंट मार्कर है, चलो। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी, अब एक बड़े ही कहते हैं ना रोमांचित एक्साइटमेंट वाली बात है, क्या है, एक ट्रिक मैं बताने जा रही हूं, एक ट्रिक अभी बताऊंगी नहीं अटॉप, अब देखो यहां पे क्या बता ही देती हूँ, चलो। एक ट्रिक होती है कि कैसे पता करूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो साइंटिस्ट थे किसने डिस्कवर किया था, बच्चे भूल जाते हैं, तो एक ट्रिक है, देखिएगा इसको पहले, ईट पर नाच। अब ये क्या है ईट पर नाच, ईट पे नहीं नाचना है, डोंट वरी, अपना चलो ब्रिक पर ले गई या ब्रिक को लेके नाच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ब्रिक्स को। अब ईट का मतलब है, दिमाग लगाइए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टा का मतलब एक्चुअल में जॉन जे जे थॉमसन, थॉमसन टी से थॉम था बोलते हैं, बट हिंदी में टॉमसन बोला जाता है, तो ये थॉमसन है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, थॉमसन ने की। प्रोटॉन पाओ मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड, अल्फ्रेड रदरफोर्ड, तो आपको अल्फ्रेड पूरा नहीं याद करें, रदरफोर्ड से याद रखिए। ना का मतलब न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक है, आपको जेम्स याद रखने की जरूरत नहीं है, चैडविक याद रखिए, बात समझ में आई बच्चा। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, थॉमसन ने। फिर
प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? चैडविक ने। अब एक आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ जो आपने अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा। एक्चुअल में सबसे पहले डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की और वो की थॉमसन ने। थॉमसन पता है इनके गुरु थे, इनके क्या थे? गुरु थे। और इनके गुरु थे, इनके शिष्य ये थे, स्टूडेंट थे। इनकी डिस्कवरी के बाद इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। और इनके स्टूडेंट चैडविक थे, यानी कि इनके गुरु ये थे। इनके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने की। तो इनके गुरु ये थे, इनके स्टूडेंट वो थे। मतलब कुल मिला के तीनों ही एक दूसरे से, ये गुरु थे, ये स्टूडेंट थे इनके, फिर उसके बाद ये गुरु थे इनके। तो ये दोनों स्टूडेंट से मिलकर क्या इस डिस्कवरी को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को आगे बढ़ाया, इस थ्योरी को किया। ठीक है, जिसने खोजा, तो भैया जिसने खोजा वो स्टूडेंट और टीचर का ही वो चल रहा था। ठीक है, चलो आगे की बात करें। क्लियर हो गया, समझ में आया? चलो तो भाई चलते हैं अब 400 साल पहले। और हुआ क्या था? बहुत कुछ हुआ था, और शायद हम लोग वो चीज समझ भी नहीं सकते थे कि क्या हुआ था। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी की वो कैसे की। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं सोचा था किसी ने कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करनी है, सब चीजें एक्सीडेंटली हुई या फिर कहते हैं कि गॉड ने ही प्लान किया था। अब क्या है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भाई यहां पर दो लोग का नाम आता है। ठीक है, एक आता है विलियम क्रूक्स और एक आते हैं तुम्हारे जे जे थॉमसन। तो बेसिकली तो सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था, कंट्रीब्यूशन, लेकिन इन्होंने मतलब दोनों ने मिलकर ये चीज की थी। ठीक है, लेकिन नाम इन्हीं का ज्यादा आगे आया, फेमस हुआ चीजों को लेके। अब क्या था, तो इन दोनों ने ही मिलकर क्या है जिसको आप लोग सुनते आ गए हो, सीआरटी कैथोड रेस ट्यूब, सीआरटी ये इन्होंने ही बनाया था। और अगर सीआरटी नहीं बना होता तो हम आजकल जो हम आप एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, यानी कि टेलीविजन ही नहीं आई होती, टेलीविजन नहीं आया होता, टीवी नहीं बनी होती, तो इतनी चीजें एडवांस यहाँ तक पहुंची ही नहीं होती। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो ये जरूरी भी था, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया थॉमसन ने। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने क्या किया। ठीक है, अब हुआ क्या, एक्चुअल में ये सारी चीजें जो है अमेरिकन साइंटिस्ट थे, यूएसए में ही की बात है, इन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसकी हिस्ट्री क्या थी। बिजली गिरती थी, ठीक है, अब जब बिजली गिरती थी तो होता क्या था, ये जितने भी प्रीस्ट थे, पारदी थे, पारदी जो भी होता है, प्रीस्ट थे वहां पे, तो वो कहते थे कि भाई ये बिजली गिर रही है, तो वो अपना फायदा उठाने के लिए लोगों से अपनी उनकी मजबूरी का, तो कहते थे कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो बहुत गुस्सा कर रहा है और इसीलिए वो क्रोध में, यानी कि अपने एंगर को दिखा रहा है इन द फॉर्म ऑफ थंडर स्टॉर्म। ठीक है, तो ये थंडर के फॉर्म में क्या है, अपना गुस्सा दिखा रहा, अपना प्रकोप दिखा रहा, तो मतलब उनको ठगते थे। तो ऐसा नहीं था, उस समय साइंस भी आई थी, अब साइंस आ चुकी थी, अपना एक रुख ले चुकी थी, तो साइंस एक साइंस कम्युनिटी थी और एक प्रीस्ट वाली कम्युनिटी थी। तो कम्युनिटी ने बोला साइंस वाले ने कि भैया तुम जो है तुम सबको जनता को बेवकूफ बना रहे हो, और ऐसा कुछ नहीं है, ये जितनी भी चीजें हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये फिजिकल फिनोमिना है। ठीक है, मतलब ये फिजिकल फिनोमिना है और इसमें आप जो है साइंटिफिक है कुछ, और आप इसमें ऐसे नहीं बोल सकते कि ये भगवान का प्रकोप है, एंगर है, ये सब कुछ नहीं है, गॉड इज एंग्री, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रीस्ट वाले भी बड़े, कम्युनिटी वाले बड़े गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा अच्छा भाई ऐसा है, ऐसा तो नहीं आप हमें सिखा रहे। तो फिर ये सारी चीजें बहस होने लगी। तो इसी में जब ये साइंस कम्युनिटी वाले थे तो प्रीस्ट कम्युनिटी वाले ने बोला कि भैया ऐसा ये तो भगवान ही बना सकता है, तो साइंस वालों ने कहा ऐसा नहीं है, ये हम लोग भी बना सकते। तो इन्होंने बोला प्रीस्ट कम्युनिटी वाले ने कि अगर आप लोगों ने बना दिया तो भाई ये तो भगवान ही बना सकते, तो हम आपको भगवान समझ लेंगे। इन्हीं सारी साइंस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग थे, उसी में थे जे जे थॉमसन और क्रूक्स। तो थॉमसन ने सोचा कि भाई अब तो बना के देखना है, तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा पहले कि भाई सबसे बड़ी बात कि जो बिजली आती है, जो ये आसमान से बिजली आती है, पहली चीज तो ये है कि जो थंडर आ रहा है ये बहुत दूरी से आता है, ये आता है ब्रह्मांड से, ये यूनिवर्स से आता है। और सबको मालूम है यूनिवर्स में क्या है, वैक्यूम होता है। ठीक है, निर्वात होता है, वैक्यूम होता है।
तो इसका मतलब मुझे ऐसी कंडीशन, अगर मुझे ऐसे बिजली पैदा करनी है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली थंडर देना है, मतलब ऐसे निकालना है, इसको पैदा करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे एक वैक्यूम वाली कंडीशन रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने ये सोची कि भैया जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि भैया जो एटमोस्फेयरिक गैस है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तो होते ही नहीं है, उसमें तो सारी की सारी इनर्ट गैसेस होती है। तो उन्होंने दो चीजें समझ ली। उन्होंने पहला समझा कि भाई पहली कंडीशन तो हमको वैक्यूम की लगानी है, सेकेंड जो कंडीशन होगी वो इनर्ट गैस की लगानी, कोई इनर्ट गैस डालनी होगी, और तीसरी एक और कंडीशन थी, पहली बात हम जितना ऊपर जाते 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 रहते हैं, प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, तो हमें ये प्रेशर भी कम करना पड़ेगा। ये तीन कंडीशन उन्होंने समझ ली। ठीक है, अब क्या था, कहीं पर इन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छी चीज हुई थी, क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट से पहले हमारे माइकल फैराडे आ गए थे, जिन्होंने फिजिक्स में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और डीसी बैटरी आ गई थी भाई उस समय उन्होंने ये इलेक्ट्रोड वाला काम कर दिया था कि भाई दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनको आपस में टकराओगे तो बिजली निकलती है, ये इन्होंने काम कर दिया। अब वहीं से इन्होंने भी अपना दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पारदर्शियों को करके दिखाना था, पारदरी वालों को, पारदर्शी पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, सॉरी, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, पारदरी प्रीस्ट वालों को दिखाना था, तो इन्होंने क्या किया, भाई ये ग्लास की ट्यूब तो हमको लेनी पड़ी, क्योंकि हमें तो ये करके दिखाना है, तो इन्होंने क्या किया, ये ग्लास की ट्यूब ली। ठीक है, और यहां पर क्या किया, इस ट्यूब में एक वैक्यूम पंप रखा, क्योंकि भाई उन्हें वैक्यूम गैसेस जो थी वो निकालनी थी, तो वैक्यूम पंप रखा, प्रेशर लो किया। अब क्या हुआ, भाई दो इलेक्ट्रोड रखे और इसके अंदर इनर्ट गैस भर दी, उन्होंने क्या भर दी, इनर्ट गैस डाल दी। ठीक है ना, इनर्ट गैस डाल दी, और उन्होंने इसमें देखा कि हीलियम को या मतलब कोई गैस डालते, इनर्ट गैस डाल दी इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया, भाई इन्हीं दो इलेक्ट्रोड्स को क्या किया, जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, ये तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल था, ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल था, ये तुम्हारा कैथोड था, कैथोड एनोड खोज लिए गए थे ना उस समय, माइकल फैराडे ने बहुत बढ़िया काम किया था। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये तो अब करंट जानते हो किधर से जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जाती है। अब क्या हुआ, अब जो यहाँ बैटरी का वोल्टेज लिया वो बहुत ज्यादा लिया था, 10,000 वोल्ट। सोचो हम लोग सिर्फ 220 वोल्ट का झटका, इन्होंने क्या किया, 10,000 वोल्ट का लिया, क्योंकि इन्हें ये मालूम था कि भैया बिजली जो आती है उसमें वोल्टेज तो बहुत होता है। ठीक है, पड़ गया तो गए, अगर पड़ गई थी। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जब इन्होंने ये वोल्टेज डाला, इसमें ये ऑन किया, इसमें से छट-छट-छट करके क्या हुआ भाई, थंडर ऐसे ऐसे निकलने लगी, ऐसे ऐसे रेज निकलने लगी। अब भैया देखे बड़े खुश हुए, अब इन्होंने ये देखा और बड़े खुश हुए, वाकई ये चीज हो गई थी। उन्होंने कहा चलो बेटा आओ प्रीस्ट वालों, तुम लोग को बताते हैं। उन्होंने बुलाया, बैठाया और कहा लो भैया, खोला। अब भैया वो लोग भी ऐसे थक गए, पहले क्या था, अब भाई जब प्रीस्ट वालों ने देखा, उन्होंने तो बोला था कि भाई जो अब अगर जिसने ये कर दिया, बिजली पैदा कर दी, तो मेरे लिए भगवान, क्योंकि भगवान ही ऐसा कर सकता है। तो पहले थॉमसन को ऐसे ही बोलते थे कि भाई थॉमसन जे जे इधर आओ, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनके आगे लगने लगा सर जे जे थॉमसन, क्योंकि काम उन्होंने बड़ा किया था। तो भाई तब से सब कहने लगे कि भैया आप तो भगवान। उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं भगवान। अब यहाँ पर बात खत्म तो हो गई थी, लेकिन थॉमसन जो है, जब भाई इतना वाहवाही हुई, तो इंसान को होता ना कि जब काबिलियत आ जाती है तो फिर वो करने लगता है, उसका दिमाग एक जगह नहीं स्थिर रहता, वो और भी चीजें करता है लाइफ में। इन्होंने कहा देखो यार, पता तो कर लिया, ये दिखा तो दिया, लेकिन अब मुझे इसके बारे में स्टडी करनी कि एक्चुअल में ये रे है क्या। उन्होंने कहा कि भैया देखो, करवा तो लूं मैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन भैया ये सब तो चीजें बड़ी महंगी है, 10,000 वोल्ट लाना बहुत, अब किसी को लग गया तो गए, घर में तो आता है 220 वोल्ट, जरा सा झटका लगता है तो हालत खराब जाती है, और 10,000 वोल्ट का अगर झटका थॉमसन को लग गया तो थॉमसन गए हो काम से। तो अब यहाँ पे क्या था, इस चीज को उन्होंने क्या किया, इस चीज को कम करने के लिए पहली चीज इन्होंने क्या की, इनर्ट गैस में लिया इन्होंने हीलियम। दूसरी चीज, ये जो इलेक्ट्रोड, ये ट्यूब है, जो इलेक्ट्रोड और कैथोड है, इनकी डिस्टेंस को कम किया, ताकि हमें जो है वोल्टेज कम लगाना पड़े। ठीक है, वोल्टेज हमें क्या करना पड़े, कम लगाना पड़े। दो चीजें की, एक तो इन्होंने डिस्टेंस को कम किया, दूसरा क्या था, गैस हम इन्होंने ले ली हीलियम गैस। दो चीजें जैसे ही करवाई तो इनका वोल्टेज गिर कर आ गया 2,000 से 3,000 वोल्टेज के बीच में आ गया था, जो कि ठीक था, कर सकते थे। अब इन्होंने क्या किया कि एक काम करते, क्योंकि वो थे क्रिश्चियन, तो उनके गले में क्रॉस था,
ठीक है, कृष्ण है, कृष्ण के गले में तो क्रॉस हो गई। इन्होंने क्या किया, अपना क्रॉस जो है यहां पर लगा दिया ऐसे। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने क्रॉस लगाया हुआ क्या भाई, बहुत ध्यान से देखना है यहां पर, ठीक है, कि अब इन्होंने जैसे ही यहां पे ये लगाया तो क्रॉस, और इसके बाद इन्होंने रखा अपना माउंट किया, क्रॉस को यहाँ पे माउंट किया, जब अब रेस पार कराई तो भाई निकली, और इसमें इन्होंने देखा कि एनोड की तरफ इनके क्रॉस की एक परछाई बन रही है। तो परछाई से ये कंक्लूजन निकला कि पक्का ना पक्का, सिंपल सी बात है, लाइट हमारे जब सीधे पड़ती तभी तो हमारी परछाई हमारे पीछे बनती है। तो इसका मतलब अभी मैं ये समझ में आ गया था कि ये जो लाइट पड़ रही है वो यहीं से पड़ रही है, इसी कैथोड से पड़ रही है। अब इससे जो रेज निकली उसको बोला इन्होंने कैथोड रे, समझे समझे कि नहीं समझे, और इसी ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी नाम दे दिया गया, नामकरण हुआ। अब यहाँ पे पहले नहीं हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से सीआरटी का नाम दे दिया गया है, ये चीज स्टार्ट हो गई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। सो ये थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सबने ही इंजॉय किया होगा। अब हम लोग कल की वीडियो में बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो तब तक बेसब्री से इंतजार करिए। 10th क्लास बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, आपकी भी वीडियो आनी है, क्योंकि बायो का देना था मुझे चैप्टर, तो बायो की एक ही वीडियो आएगी जिसमें सब काम तमाम हो जाएगा, ठीक है, मतलब फुल कर देंगे, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं कल, सी यू टुमारो, ओके बाय बाय।